ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो पीटीआई उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन की UC-40 और 41 आमद। गुलाम मोहिउद्दीन की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं यासीन मलिक से। यासीन, आगाह कीजिएगा, गुलाम मोहिउद्दीन कितने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं? इसी तरीके से नाम से 24 से गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी इंतखाबी महम में मजीद तेजी ले आए हैं। उन्होंने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की हैं, डोर टू डोर इंतखाबी महम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ इलाकों को मुकामी बाग और दीगर इलाकों का दौरा भी किया है। गुलाम मोहिउद्दीन ने पीर फकीर रजा चूरा शरीफ वाले से मुलाकात की। इस मौके पर पीर फकीर रजा ने मुल्क सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की है। गुलाम मोहिउद्दीन ने 40 के रहनुमाओं दीन शाह बशर हाफिज तहर और दीगर से घर जाकर वोट मांगा। उन्होंने अपना मंसूब पेश किया थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में ताजर वाम ने गुलाम मोहिउद्दीन को अपनी हमायत का यकीन भी दिलाया है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने मरकजी इंतखाबी दफ्तर बदामी पाग लारी अड्डा से रियाज शाह और दीगर कारकुनों के हमारा मुलाकातें की और इलेक्शन मैम के वाले से उनसे तबादला ख्याल किया है। अच्छा यासीन, ये बताइएगा कि गुलाम मोहिउद्दीन के हमरा कोई पार्टी का सीनियर रहनुमा भी मौजूद था? जी, उनके ज्यादातर तो उनके कारकुन ही उनके साथ हैं। तमाम बाकी जो लोग हैं उन्होंने उनसे वादा किया हुआ है कि हरम के बाद वो उनके साथ निकलेंगे, लेकिन तमाम उनके साथ रास्ते में मुसलसल रहते हैं। उस वाले से भी उनका ये ख्याल है कि वो अपने ये सीट जीत जाएंगे, क्योंकि ये सीट जो है ना वो खुद कश्मीरी लीडर है और इस वाले से उनकी इंतखाबी एक अरसा से जारी है। बहुत शुक्रिया यासीन मलिक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।